डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट आर सिंगल रो फंक्शंस एंड व्हाट आर मल्टी रो फंक्शंस। तो सीक्वल फंक्शंस की अगर हम बात करें ना, तो दोनों ही आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सर्टिफिकेशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्टिफिकेशन एग्जाम में ना, चाहे आप ओरेकल सर्टिफिकेशन की बात करो, चाहे सीक्वल सर्वर, कोई भी अगर आप वहां पे सर्टिफिकेशन में जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक आधा क्वेश्चन इनबिल्ट फंक्शंस के ऊपर, सीक्वल के जो इनबिल्ट फंक्शंस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है। तो हम लोग सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, इवन फर्दर वीडियोस में मैं आपको इनको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो, बाकी शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंगल रो फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो नाम से पता लग रहा है सिंगल रो, रो का मतलब क्या है, टपल। जो हम टेबल में एक टपल डालते हैं, एक दो तीन, मतलब इस तरीके से जो हमारी टपल्स होती हैं, रोज होती हैं ना, तो अगर मेरा कोई भी फंक्शन एक सिंगल रो के ऊपर एप्लीकेबल है और वो सिंगल आउटपुट दे रहा है फॉर अ पर्टिकुलर सिंगल रो, मतलब कहने का कि मेरा जो फंक्शन है वो एक सिंगल रो पे एप्लीकेबल है, एक सिंगल रो पे ही अप्लाई होता है और वो एक आउटपुट देता है उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आउटपुट देगा। लेकिन व्हाट अबाउट मल्टी रो फंक्शन? मल्टी रो फंक्शन का मतलब क्या है कि वो फंक्शन जो एक से ज्यादा रो के कॉरस्पॉन्डिंग अप्लाई होता है और एक आउटपुट देता है कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑल दीज इनपुट, मतलब जितनी भी मैं रोज के ऊपर अप्लाई करूंगा वो आउटपुट एक देगा, लेकिन वो अप्लाई किस पे होगा, मल्टीपल रोज पे अप्लाई होगा, लेकिन यहां पे वो सिंगल रो पे अप्लाई होता है। तो देखो, सिंगल रो में भी हमारे पास फिर फर्दर कैटेगराइजेशन आ जाती है। सबसे पहले आता है नंबर फंक्शन, जिसमें हमारे पास राउंड है, ट्रंक है, मोड है। राउंड मतलब जैसे हम नॉर्मल राउंड ऑफ करते हैं, जैसे लेट्स से मैंने कोई वैल्यू लिखी 50.926। अब देखो यहां पे 50.926, अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो लेट्स से अगर मुझे इसको राउंड करना है टू डिजिट तक, डॉट के बाद टू तक, तो ये क्या करेगा 93 बना देगा, क्योंकि उसके बाद 6 है ना, 5 से बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या कर देगा, 3 कर देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा छोटा ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि इसको सारे को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे फर्दर वीडियोस में। ऐसे ही ट्रंक आ गया, मोड आ गया। मोड वैल्यू क्या होती है, जब हम किसी को डिवाइड करते हैं वैल्यू को तो जो रिमाइंडर आता है, तो दैट इज योर मोड। कैरेक्टर फंक्शन में हमारे पास आ जाता है केस मैनिपुलेशन, लोअर अपर इनिट कैप, मतलब कोई भी आपके पास वर्ड, कोई भी आपके पास स्ट्रिंग दी हुई है, अगर उसको आपको पूरे को लोअर में करना है कन्वर्ट, तो आप लोअर में कर सकते हो जस्ट उसको अपीयर करने के लिए, मतलब परमानेंट वो कन्वर्ट नहीं कर रहा। जब आप उसको सिलेक्ट करोगे, जब आप रोज को सिलेक्ट करते हो, देखते हो ना उसको, तब वो क्या कर देगा, आपको लोअर करके दिखा देगा। अपर में सारे लेटर्स को कैपिटल कर देगा, इनिट कैप में क्या करेगा, जो पहला लेटर है इनिशियल उसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। देन करेक्टर मैनिपुलेशन आ जाता है, कनकेटिनेट, दो स्ट्रिंग्स हैं उनको जोड़ के एक बना रहा है, या फिर सब स्ट्रिंग आ जाता है। सब स्ट्रिंग में क्या है, बेसिकली अगर एक बड़ी स्ट्रिंग में से कोई छोटी स्ट्रिंग निकालनी है, लेंथ, कोई स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इन स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग में से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड आपको पता करना है कि वो वर्ड किस पर्टिकुलर आप कह सकते हो पोजीशन में जाके आता है, तो दैट इज इन स्ट्रिंग। एल पैड, आर पैड, पैडिंग के लिए, लेफ्ट में अगर आपको कुछ पैडिंग करनी है, राइट में कुछ पैडिंग करनी है वैल्यू का, ट्रिम करना है अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू को ट्रिम करना है, स्ट्रिंग को काटना है बीच में से, कहीं से भी आपको ट्रिम करना है, तो लेफ्ट ट्रिम है, राइट ट्रिम है। देन रिप्लेस करना है आपको, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जो है ना, छोटे छोटे फंक्शंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देन अगर हम बात करें डेट फंक्शंस की, मंथ बिटवीन आ जाता है कि आपको दो डेट्स हैं, उन दो डेट्स के बीच में मंथ फाइंड आउट करना है, ऐड मंथ करना है, कि लेट्स से आपको कोई डेट दी हुई है उसमें आपको 5 महीने ऐड करने हैं, 6 महीने ऐड करने हैं, तो आप उसको ऐड करके कर सकते हो। नेक्स्ट डे, लास्ट डे, राउंड या फिर ट्रंक करना है, तो ये भी आपके पास डेट फंक्शन में। जन जनरल फंक्शन में आपके पास आ जाता है NVL, NVL2, ये जनरली नल वैल्यू से कंपेयर, जब भी हम नल वैल्यू जो है वो सीक्वल में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो नल वैल्यूज की टेक केयर करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए हम NVL, NVL2, कोलियाज, केस, डिकोड, इनको हम यूज करते हैं। डिकोड इफ देन एल्स वाला जो हमारा फंडा होता है ना, जैसे प्रोग्रामिंग में हम इफ एल्स वाला यूज करते हैं, उसको केस आपका जो नॉर्मल हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं उसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। देन डेटा टाइप कन्वर्जन टू कैरेक्टर करना है, लेट्स से मुझे अगर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, नंबर वही टाइप का स्ट्रिंग वाला, कैरेक्टर में करना है, नंबर में करना है, डेट में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये मेनली हमारे पास सिंगल रो फंक्शंस इस तरीके से आते हैं, बहुत ही आप कह सकते हो इजी वे से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं एक एक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। देन मल्टी रो फंक्शन, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैंने आपके उसको
ऑलरेडी जो है वो आपको DBMS की प्लेलिस्ट में, इवन SQL की प्लेलिस्ट में आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी. दैट इज एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें हमारे पास आता है सम फाइंड आउट करना, मैक्स फाइंड आउट करना, मिन फाइंड आउट करना, काउंट, एवरेज. तो ये जनरली हमारे पास आ जाते हैं एग्रीगेट. वही हो गया ना कि जैसे सम है, तो अगर आपको सम लगाओगे, लेट्स से कोई सैलरी कॉलम है उस पर आप सम लगाओगे तो सारी रोज का टोटल करके आपको दे देगा. तो यानी ये अप्लाई होता है मल्टीपल रोज पे और आउटपुट देता है सिंगल, लेकिन ये अप्लाई होता है सिंगल रो पे और आउटपुट भी क्या देता है सिंगल. तो ये मेजर डिफरेंस है सिंगल रो एंड मल्टी रो फंक्शंस में. थैंक यू.